वेलकम टू द एमबीसी महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरी प्लांट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। उसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरोन्जिया। ठीक है, बाकी का हम पीछे दो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरोन्जिया, जो एंथर था, एंथर के अंदर में जो माइक्रो स्पोरोन्जियम है, एंथर है, उसका जो बाइसेक्शन लेयर कहते हैं माइक्रो स्पोरोन्जियम कहलाता था, है ना, उसका क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे और देखेंगे कैसा कैसा स्ट्रक्चर क्या क्या है। बोल रहा है इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रो स्पोरोन्जियम अपीयर नियर द सर्कुलर आउटलाइन। क्या बोल रहे हैं कि हम उसको क्या करें, डाइसेक्शन किए, ट्रांसवर्स डाइसेक्शन किए, मतलब उसको काट दिए बेस से। ठीक है, अब काट दिए तो क्या दिख रहा है, गोल गोल टाइप का सर्कुलर अपीयरेंस दिख रहा, आउटलाइन दिख रहा। इट जनरली सराउंडेड बाय फोर बाल लेयर। कितना बाल लेयर? फोर बाल लेयर। ठीक है, 2.3b, ये 2.3b कौन सा है, 2.3b फिगर नंबर में देखने का। बाद एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेपेकल। जो बोल रहा है कि हम उसको काटे तो चार गो लेयर दिखा। कितना लेयर दिखा? चार गो लेयर दिखा, फोर बाल लेयर दिखा। कौन कौन सा लेयर दिखा? एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपेकल। अब इसमें हम देखने को बोल रहा है कि कहां कहां है। जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, हमारा क्या है, एपिडर्मिस है। जो उसके नीचे लेयर है उसे क्या करें, इंडोथेलियम करें। फिर उसके नीचे लेयर है उसे क्या करें, मिडिल लेयर करें। फिर उसके और नीचे वाला है उसे क्या करें, टेपेटम करें। टेपेटम है वो क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोल रहा है द आउटर थ्री बाल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइजेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। बोल रहा है आउटर तीन लेयर है, कौन कौन लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडिल लेयर है, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद जब पोलन ग्रेन तैयार होगा तो उसको रिलीज करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। द इनर मोस्ट बाल लेयर इज टेपेटम, जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं, टेपेटम कहते हैं। बोल रहा है इट नॉरिशेस द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब क्या बोल रहा है, किसको नॉरिश करता है, पोलन ग्रेन को डेवलप करने में, बढ़ने में। द सेल ऑफ टेपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म and generally have more than one nucleus। बोल रहा है कि जो टेपेटम का सेल है वो क्या है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बोल रहा है टेपेटम है, उसके पास साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड है और उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, जिसको कहते हैं बाय न्यूक्लिएटेड। व्हेन द एंथर इज यंग, अब क्या हो रहा है, एंथर यंग हुआ, ए ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब जब एंथर जवान हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, है ना, तो बोल रहा है कि अब दो ग्रुप बनेगा, इसे क्या कहेंगे, स्पोरोजेनियस टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरोजेनियस टिश्यू कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू। इसमें क्या बनेगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, स्पोरोजेनियस टिश्यू, ये भी क्या है, स्पोरोजेनियस टिश्यू, ये भी क्या है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। ठीक है, ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरोन्जियम। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरोन्जियम है, हर एक माइक्रोस्पोरोन्जियम के क्या है, बीच में रहेगा। ठीक है, जो कॉर्नर में था, ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोन्जियम। ऐसा है कि आपको माइक्रोस्पोरोन्जियम का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर है वो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोलन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे छोटा पढ़ के, अच्छे से पढ़ते जाइए। एक नहीं कि एक घंटा दो घंटा का लेक्चर देख लिए फिर 10 मिनट पढ़े फिर बोर होने लगे, है ना, उसमें 10 मिनट पढ़ो अच्छा से पढ़ो। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा, चलिए बाय, आगे मिलते हैं।